आप बोलिए बाबा हम यहाँ बैठते हैं, नहीं नहीं आप ऊपर बैठते हैं। पहले तो पास आ गए। रास बिहारी भगवान चंपक लता सखी, चौथे नंबर की सखी है चंपक लता जी किशोरी जी की। इनकी सेवा किशोरी जी के लिए रसोई बनाने की, जो खोआ से मिठाइयाँ बनती हैं ना, बर्फी है, पेड़ा है, कलाकंद है, रसमलाई है, उनको चीज को बनाने में ये बहुत ही निपुण थी। किशोरी जी के लिए खेलने के लिए मिट्टी के खेल खिलौना भी बनाती थी। जैसे हमारी माता लोग करवा चौथ का व्रत रहती है ना, तो खाण की कलवी भी अच्छी बनाती थी और किशोरी जी की चावल सेवा चावल ढलाती थी। ये तो रही चंपक लता जी की सेवा। जो हमारे बाबा हैं घमंड देवाचार, इनका घर का नाम था उद्धव। ये राजस्थान के रहने वाले थे। इनका जन्म जिला भीमटोला, गांव का नाम है दूबरपुर। इनके पिताजी का नाम था बहुदेव जी। बहुदेव जी की सगाई हो गई, शादी नहीं हुई, बाबा बन गए। बहुदेव जी के पिताजी ने लड़की वालों पर खबर की, भाई हमारा लड़का तो बाबा बन गया है, अपनी लड़की का रिश्ता कहीं अनथा कर दो। एक साल के बाद में लौट के साधुओं के साथ अपने गांव में आए थे। तब तक उस लड़की का कहीं रिश्ता नहीं हुआ था। फिर खबर की, भाई लड़का आ गया है, कुछ हम समझाएंगे, कुछ आप कहना, शायद रिश्ता हो जाए। तो लड़की के परिवार वाले सब आए थे, पिताजी, भाई, माता जी सब आई थी, साथ में वो लड़की भी आई थी। तो संत के सब पैर छूते, उस लड़की ने पैर छुए तो उसको बहुदेव जी ने आशीर्वाद दे दिया कि आप पुत्र वधु हो। जबकि शादी हुई नहीं, आशीर्वाद दे दिया पुत्र वधु हो। वो आश्चर्य कर गई, महाराज ये आप क्या बोल रहे हैं, समाज में निंद्रा नहीं होगी, कुंवारी के बच्चा पैदा होगा तो। वहाँ नहीं, आपके बच्चा पैदा होगा, वो उधर से पैदा नहीं होगा, आपकी हथेली में छाला पड़ेगा, छाले से बच्चा पैदा होगा। तो हथेली में छाला पड़ा, छाले से उद्धव जी पैदा हुए। ये 12 साल के हो गए तो इन्होंने भी अपना घर छोड़ दिया। वृंदावन में आके निम्बार्क संप्रदाय के आचार थे हरव्यास देवाचार्य, उनके शिष्य बन गए, बाबा बन गए। ये भगवान के भजन में मस्त रहते थे, किसी से बोलते नहीं थे। लोग कहने लगे ये बहुत घमंडिया, बोलता नहीं, तो इनका नाम पड़ गया उद्धव घमंड देव। यहाँ रमणीक स्थान देखकर इन्होंने ऐसी घनघोर तपस्या की कि हमारे प्रिया प्रीतम राधा कृष्ण को प्रकट कर लिया। देखो भोले बाबा हैं, हनुमान जी हैं, देवी हैं, वो जल्दी प्रकट हो जाती हैं, पर राम कृष्ण तो बहुत कठिन तपस्या से प्रकट होते हैं। तो इन्होंने ऐसी घनघोर तपस्या की, प्रिया प्रीतम राधा कृष्ण को प्रकट कर लिया। तब भगवान ने इनको आदेश दिया कि भाई आप गांव से ब्राह्मणों के बच्चे लो, राधा कृष्ण बनाओ, मेरी रासलीला का प्रचार प्रसार करो। भगवान ने अपना मुकुट दिया, राधिका जी ने अपनी चंडिकाई दी। इनको बच्चों के सिर पर धारण करना, धारण करते ही समझना हम ही खेल रहे हैं, बच्चों के अंदर हमारा आवेश आएगा, उनको सुतई लीला का ज्ञात होता चला जाएगा। इनसे तो भगवान ने बात की और ब्राह्मणों को सुपने में आदेश दिया कि एक साधु आपसे बच्चा मांगने के लिए आएगा, उससे मने मत करना, बच्चे दे देना। सुबह होते ही ये ब्राह्मणों के पास गए, उनसे बच्चे मांगे, उन्होंने दे दिए। यहाँ लाकर बच्चों का श्रृंगार किया, ठाकुर जी के दिए हुए मुकुट पहनाए तो बच्चा गायब हो गए। बाबा घबरा गए, बता ब्रजवासी ब्राह्मणों को बच्चे कहाँ से वापस करूंगा, कैसे ठाकुर जी के लिए राम का प्रचार प्रसाद होगा। और कोई सहारा नहीं मिला, समाधि लगाकर फिर भगवान के भजन पे बैठे। दोबारा भगवान प्रकट हुए, भगवान से कहा, महाराज आपके आदेश के अनुसार में ब्रजवासी ब्राह्मणों के बच्चे लाया, लाकर यहाँ श्रृंगार किया, आपके दिए हुए मुकुट पहनाए तो बच्चा गायब हो गए। बताओ ब्रजवासियों को बच्चे कहाँ से वापस करूंगा, कैसे आपकी लीला का प्रचार प्रसाद होगा। फिर वो गायब हो गए थे ना बच्चे, भगवान ने प्रकट किए, फिर यहाँ पे रास हुआ जिस पे आप लोग बैठे हैं। ये ठाकुर जी का प्रथम रासलीला मंडल है। वृंदावन में निधवन में डेली लीलाएं होती हैं, पर रास की प्रागट स्थली इसी जगह है। रास हुआ, ठाकुर जी की आज्ञा हुई, प्रचार प्रसाद का काम यहाँ के ब्राह्मणों को सौंपो, जगह जगह जाके प्रांतों में प्रचार करेंगे। तो ब्राह्मण मंडली बनाकर MP दतिया डिस्ट्रिक्ट में ले गई थी।
दतिया वाले राजा बोले, जैसे कृष्ण भगवान ने काली नाग जमुना के अंदर से नहाता ना, उसी प्रकार हमको नागनाथ के दिखाओ, नहीं हम आपको जेल बंद कर देंगे, आप ढंग फैलाते डोलते हो। ब्राह्मणों को भड़काया तो ब्राह्मण घबरा गए, सोचने लगे हम तो ठाकुर जी की आज्ञा से प्रचार के लिए निकले, ये राजा क्या कह रहा है। तो उदास होके बैठे थे, पहले रास में छोटे छोटे बच्चे ठाकुर जी बनाते थे, अब तो बड़े बनाते हैं। वो बच्चे बोले, आप क्यों उदास हैं? उन्होंने बताई, लाला ये राजा बोल रहा है, जैसे कृष्ण भगवान ने काली नाग जमुना के अंदर से नहाता ना, उसी प्रकार हमको नागनाथ के दिखाने जेल बंद कर देंगे। आप चिंता मत करो, राजा से अभी जाके बोलो कि आज नागलीला होगी। ब्राह्मणों ने जाके बोल दिया कि महाराज आज नागलीला होगी। तो राजा ने सपेरे बुला के अपने तालाब में बहुत बड़ा सरफ करवाया, रासलीला हुई। रास बिहारी भगवान ने खेलते खेलते उस तालाब में गेंद गिर दी, सीता माँ सखा की गेंद थी, उन्होंने अपनी गेंद मांगी, उनसे छुड़ा के तालाब में कूद गए। तो 3 घंटा तक नहीं निकले, देखने वाली जनता भी रोने लगी, राजा भी पश्चाताप करने लगा, अरे हट करके मैंने बड़ी गलती की, ये तो ब्रह्म हत्या बाल हत्या डबल हत्या हो गई। 3 घंटा के बाद में जैसे जमुना जी के अंदर से काली नाग को नाथ कर भगवान काली नाग के ऊपर जमुना जी से बाहर निकले थे ना, उसी प्रकार रास बिहारी भगवान उस सर्प को नाथ कर उसके ऊपर तालाब के पानी से बाहर निकले। तो राजा ने खुश होके अपने जैसे महल बन रहे थे यहाँ पे महल बनवाए, और रास बिहारी भगवान के लिए 5.25 किलो का सोने का मुकुट बनवा के भेंट में दिया। वो मुकुट अब भी है, मथुरा लॉकर में जमा है। उत्तर भादो लगत कुआर की पूर्णिमा आती है, जिससे पितर पट चालू होते ना पूर्णिमा से, उस पूर्णिमा को आकार प्रशासन के साथ उसे पहनकर ही महाराज लीला होती है। इस गांव का नाम है करहेला, कर माने संस्कृत में हाथ से बोलते हैं। एक बार कामदेव जी से नारद भगवान की भेंट हो गई, तो कामदेव जी नारद भगवान से बोलने लगे, आप मेरे से युद्ध कीजिए, नहीं कोई उपाय बताइए, मेरी भुजाओं में खुजार चल रही है। नारद भगवान बोले, श्रीमन नारायण नारायण, मेरे में इतनी सामर्थ्य नहीं है मैं आपसे युद्ध कर सकूं, हाँ आपको उपाय जरूर बता सकता हूँ, आप श्री वृंदावन धाम जाइए, वहाँ कृष्ण भगवान मिलेंगे, वो आपसे युद्ध कर सकते हैं। तो कामदेव जी वृंदावन में आए, भगवान के लिए दंडवत प्रणाम कुछ नहीं की, सीधे बोलने लगे, मैं आपसे युद्ध करने के लिए आया। भगवान मुस्कुराते हुए बोले, भाई कामदेव युद्ध होते हैं 2 प्रकार के, एक होता है किले का, एक होता है मैदान का, आप कौन सा युद्ध करना चाहते हैं? कामदेव जी चक्कर में पड़ गए, किले का कैसा होता है, मैदान का कैसा होता है, आप मेरे को समझाइए। भाई किले का तो ऐसा होता है, मैं किले के अंदर छिप के बैठ जाऊंगा, आप अपने बाण चलाना। क्यों? कामदेव जी माया रूपी बाण चलाते थे, ऋषियों की तपस्या भंग किया करते थे, कभी अप्सराएं प्रकट कर दी, कभी नाचने गाने वाली प्रकट कर दी, कभी ऋतुओं का बलदान कर दिया, ऐसे माया रूपी बाण चलाते थे। भगवान बोले, अगर तेरी माया ने मेरे ऊपर प्रभाव डाल दिया तो मैं हार गया, तू जीत गया। मैदान का ऐसा होता है, आधी रात के टाइम पर रात्रि के 12 बजे मैं 16 सहस्त्र गोपियों के साथ महाराज लीला रचूंगा, आप उसमें आना, उनमें एक एक सुंदर आएंगी, उनको देखकर तेरा मन चलायमान हो गया तो तू हार गया मैं जीत गया। क्यों? कृष्ण भगवान को बाल योगी कहते थे, बाल जद्दी कहते थे। एक बार गोपियों के अंदर शंका हुई, महाराज आप 16,000 गोपियों में रहते हैं फिर भी बाल योगी और बाल जति कहलाते, और दुर्वासा ऋषि से क्या कहते हैं कि वो धूम का हार करते हैं, हमको तो दोनों की बात झूठी लगती है। भगवान मुस्कुराते हुए बोले, हे गोपियों आप ऐसा करो, पहले दुर्वासा ऋषि की परीक्षा लो, जो दुर्वासा ऋषि का स्थान है ना वृंदावन में जमुना जी से पल्ली पार है। जमुना जी चल रही थी बहुत जोर से, तेजी से बाव था, गहरा पानी था, तो आप जाओ सब लोग और जमुना के किनारे खड़े होके कहना, हे जमुना माँ अगर दुर्वासा ऋषि सच्चे दूब आ रही है तो हमको रास्ता दे दो। गोपियाँ गईं, गोपियों ने ऐसे बोला तो जमुना माँ ने तुरंत ही रास्ता दे दिया, फिर ऐसी की ऐसी चढ़ गई, तेजी से बहने लगी, गहरा पानी हो गया, उधर दुर्वासा ऋषि के दर्शन कर लिए। अब दुर्वासा ऋषि से बोलने लगी, महाराज हम इधर से निकल के कैसे जाएं, पर पहले कैसे आई थी? तब तो कृष्ण भगवान ने ऐसे बताया था, आप जाओ जमुना के किनारे खड़े होके कहना कि जमुना माँ अगर दुर्वासा ऋषि सच्ची दूबा आ रही है तो हमको रास्ता दे दो। तो हमने ऐसे बोला तो जमुना माँ ने रास्ता दे दिया। वन दुर्वासा जी बोले, अब ऐसे कहना, हे जमुना माँ अगर कृष्ण सच्चा बाल योगी है बाल जती है तो हमको रास्ता दे दो। तो गोपियों ने फिर ऐसे बोला तो फिर जमुना माँ ने रास्ता दे दिया। तो दोनों की परीक्षा हो गई, कृष्ण भगवान की भी हो गई और दुर्वासा ऋषि की भी हो गई। उधर कामदेव ने युद्ध तय किया था मैदान का,
तो भगवान वृंदावन से इस करेला गांव में आए थे। करेला गांव है ना, ये उपवनों में समार है, इससे वार्तावन भी कहते हैं। सही बरसाने के सामने गांव है। राधा जी को बुलाने के लिए ऐसे अपनी कलाई हिलाई और हेला मारा तो गांव का नाम पड़ गया करहेला। कर माने हाथ, हाथ को हिलाया और हिला दिया तो गांव का नाम पड़ गया करहेला। किशोरी जी इधर आई, उनसे बोलने लगे, हे किशोरी जी, आपकी कृपा से मैंने गिर गोवर्धन पर्वत को उठाया था, कुछ माखन का बल बढ़ा, कुछ गोपन करी सहाय, और राधे जी की कृपा से गिर गोवर्धन लिए उठाए। अब मेरे को कामदेव से युद्ध करना है, आप ऐसी कृपा कीजिए जिससे मैं उस पर विजय पा सकूं। राधा रानी मुस्कुराती हुई बोली, हे प्यारे श्याम सुंदर, आप कोटान कोट कामदेव के मध को चूर्ण करने वाले हैं, फिर भी मैं अपनी रूप माधुरी आपके अंदर प्रवेश करती हूँ। आपके रूप को ही देखकर कामदेव मूर्छित हो जाएगा। महाराज लीला हुई, कामदेव जी आए, भगवान के रूप को ही देखकर वो मूर्छित हो गए। उनकी घरवाली को मालूम पड़ी रति जी को, वो रोती हुई आई, भगवान के पैर पकड़ लिए। महाराज ये मूर्ख था, अज्ञानी था, इसे आपसे युद्ध नहीं करना था, आप इसे अभय दान दीजिए। तो भगवान का हृदय तो मक्खन जैसा कोमल है, उनको दया आ गई, अभय दान दे दिया। फिर भी कामदेव का अहंकार दूर नहीं हुआ। भोले बाबा भगवान के भजन में मस्त थे, तपस्या में लीन थे, जा उनकी तपस्या में भंग डाला। तो भोले बाबा को गुस्सा आई, अपना तीसरा नेत्र खोलकर उसे भस्मी कर डाला। बोलो रास बिहारी भगवान की जय, चंपक लता सखी की जय, जय भक्त मंडली की जय, जय 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 श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्याम आप कहाँ से बधा रहे हैं प्रभु? हम अभी